आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है, यदि ए बराबर राजू दे दिया, ए बी सी डी इस प्रकार है तो ए का प्रतिलोम बराबर है, यहाँ पर चार विकल्प दे दिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए का प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, ए का प्रतिलोम बराबर होता है उसका हम लोग क्या करेंगे सरखंडज यानी कि एडजॉइंट निकालेंगे और उसको हम लोग ए के सारणिक मान से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ए के सारणिक मान यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। ए का सारणिक मान हमारा क्या होता है आधे तिरछा गुना करके घटा देते हैं, जैसे हमारा दो गुना दो का भी है इसीलिए आधे तिरछा गुना करके घटा देंगे। तो ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी, बी में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो ए डी माइनस बी सी हमारा क्या हो गया ए ए का सारणिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा एडजॉइंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उपसारणिक निकालते हैं, ठीक है। उपसारणिक निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसका सरखंड निकालते हैं। तो सरखंड निकालने का सूत्र होता है क्या सी आई जे बराबर हमारा होता है, इसे हम लोग एम आई जे से सूचित करते हैं उपसारणिक को। सी आई जे बराबर होता है माइनस एक के घर आई जोड़ जे गुना एम आई जे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इसका क्या करते हैं परिवर्त कर देते हैं, सी आई जे का क्या करते हैं परिवर्त कर देते हैं, ठीक है। तो परिवर्त करने के बाद यानी कि सरखंड का परिवर्त करेंगे तो हमारा क्या बनेगा सरखंड बन जाएगा, वही एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उपसारणिक निकालते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एम आई जे निकाल रहे हैं यानी कि एम एक एक निकाल रहे हैं, ठीक है। एम एक एक और पहला पंक्ति के लिए एम एक दो, दूसरे पंक्ति के लिए उसी प्रकार एम दो एक और एम दो दो, कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर क्या है ये अभी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा अभी क्या है ए है क्या ए बी सी डी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एम एक निकालना है तो उसके सभी पंक्ति और अवयव को स्तंभ को हटाएंगे, ठीक है, और बचे हुए अवयव को लिख देंगे कितना हो गया डी। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एम एक दो निकालना है, एम एक दो निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को यहाँ पर हटा देंगे, पहला पंक्ति को नहीं ये दूसरा स्तंभ को नहीं ये, क्या बचेगा सी, हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे सी लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग एम दो एक निकाल लेते हैं तो एम दो एक निकालने के लिए दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ को हटाएंगे क्या बचेगा बी, ठीक है। और एम दो दो निकालने के लिए यहाँ पर दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे क्या बचेगा ए, ये हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है कि सरखंड निकालना है सी आई जे निकालना, तो सी आई जे क्या हो जाएगा सी एक एक सी एक दो, ठीक है, फिर सी दो एक, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सी दो दो। वो यहाँ पर सूत्र पे रखेंगे तो क्या माइनस एक के घात आई जोड़ जे, ठीक है, माइनस एक के घात आई हमारा एक है और जे भी हमारा एक है, एक एक दो कितना हो गया दो, और यहाँ पर एम आई जे यानी कि एम एक एक एम एक हमारा कितना है डी, तो माइनस एक का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस एक, तो प्लस एक गुना डी कितना जाएगा डी। इसी प्रकार माइनस एक के घात यहाँ पर एक दो कितना जाएगा तीन, और यहाँ पर कितना है एम एक दो सी कितना जाएगा माइनस सी। इसी प्रकार सी दो एक निकालेंगे क्या हमारा माइनस एक के घात दो एक कितना जाएगा तीन, और ये हमारा क्या है एम दो एक कितना है बी कितना हो गया यहाँ पर माइनस बी। उसी प्रकार सी दो निकालेंगे तो माइनस एक के घात कितना जाएगा चार, माइनस एक के घात चार कितना जाएगा प्लस एक, और यहाँ पर एम दो दो कितना है ए कितना आ गया यहाँ पर प्लस है, तो ये हमारा क्या हो गया सी आई जे निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका परिवर्त करेंगे, परिवर्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग पंक्ति को स्तंभ से और स्तंभ को पंक्ति से बदलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इसको लिख देते हैं क्या हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले पंक्ति को पहले स्तंभ बना देंगे, जैसे ये हमारा पहला पंक्ति का अवयव था इसे हम लोग पहले स्तंभ का अवयव बना देते हैं, तो ये क्या हो गया डी माइनस सी। उसी प्रकार ये माइनस बी और ये यहाँ पर हम लोग दूसरे स्तंभ का अवयव बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या एडजॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को निकालना क्या है इसका प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम निकालना है, तो ए का प्रतिलोम बराबर हम लोग सूत्र क्या लिखे हैं कि एडजॉइंट ए और उसके बाद ए से के सारणिक मान से हम लोग भाग दे देंगे। ए का सारणिक मान हमारा कितना आया था ए डी माइनस बी सी आया था, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं क्या हो जाएगा एक बटा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और ये हमारा एडजॉइंट क्या है डी माइनस सी माइनस बी ए, देख रहे हैं ये कौन से विकल्प में दिया हुआ है डी माइनस सी बी ए और एक बटा ए डी माइनस बी सी गुना के हुआ या विकल्प ए में दिया हुआ है, तो बोलेंगे विकल्प ए हमारा उत्तर हो जाएगा क्या एक बटा ए डी माइनस बी सी अभी क्या है डी बी माइनस सी ए, ठीक है, धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।